दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब अगर मैं बता दूँ नाम लूँ बिटकॉइन का, तो आप सभी मैक्सिमम आपको पता होगा कि भाई बिटकॉइन का क्या रेट था, क्या इम्प्रूवमेंट था, लोगों ने कितना प्रॉफिट लिया उस बिटकॉइन से। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ डच कॉइन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं डच कॉइन की बात करूँ तो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डच कॉइन में किया जा रहा है। और गाइस, करना भी लाजमी है, क्योंकि अगर मैं डच कॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो जिन्होंने डच कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है उन्हीं को पता है कितना उनको प्रॉफिट मिला है। देखो, आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप प्लान कर रहे हो डच कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि मुझे डच कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना भी है या नहीं करना है। तो सबसे पहले गाइज, मैं एक छोटा सा ग्राफ बता देता हूँ कि अभी डच कॉइन का क्या रेट चल रहा है, क्या उसमें परफॉर्म रही है अभी 4 से 6 महीने के बीच में। अभी आप देख पाओगे जो स्टार्टिंग है 2020 में 10वें 11वें 12वें महीने तक आपने देखा होगा 20 पैसे से 30 पैसे 50 पैसे तक की प्राइस थी डच कॉइन की, ठीक है। उसके बाद में जनवरी में भी आप देख पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये हुआ था, फरवरी तक भी 1 ही रुपये आपने देखा है, 1 से 2 3 रुपये तक। लेकिन गाइस, अभी लास्ट 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में जो डच कॉइन का रेट बढ़ा है ना, आप अभी ग्राफ में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मतलब 58 रुपीज़ तक गया है। मतलब अगर आप मोटा हिसाब अगर ले लो, 50 रुपये तक डच कॉइन का रेट गया है अभी कुछ ही 2 से 2.5 महीने में। अगर बात करें पुराने 2 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 50 पैसे रेट था, तो आप सोच सकते हो उस टाइम का वो 50 पैसे और अभी का वो 58 रुपये हो गया। तो आप भी समझ सकते हो, अगर उस टाइम आपने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो आपको सीधा 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 50,000 मिल रहा था 2.5 से 3 महीने में। ये दोस्तों डच कॉइन की कहानी। यहाँ पे गाइस, ये डच कॉइन की जो प्राइस थी ना, काफ़ी हद तक ऊपर इंक्रीज हो चुकी थी। अभी आप देख पाओगे थोड़ा कम हो चुका है, अभी 35 से 36 रुपये तक की डच कॉइन प्राइस है। लेकिन आपको पता है, अगर जहाँ पे एलॉन मस्क का अगर एक ट्वीट आ जाए किसी भी चीज़ पे, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन का भी नाम उस टाइम पे सुना था, अभी डच कॉइन पे उनका एक बहुत ही बड़ा फैसला है कि अगर डच कॉइन में आप अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। उनका खुद का ट्वीट वो डच कॉइन के प्रति कर रहे हैं। उसके बाद में जो स्पार्क एक्स जो सेटेलाइट है, उसमें भी आप दोस्तों डच कॉइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो आगे टाइम के लिए तो आपको पता ही हो गया कि कितनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने वाली डच कॉइन की। सेकेंड ट्वीट आप देखिए, इससे आप देखते ही आप कंफर्म हो जाओगे कि भाई डच कॉइन का आगे टाइम में क्या रिजल्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गैरी सिल्बर्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी पोस्ट, उन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि भाई 31 मई तक जो डॉच कॉइन की जो प्राइस होने वाली है $1 के आसपास होने वाली, मतलब इंडियन रुपीज़ में देखा जाए 73 रुपये होने वाली है। तो गाइज, अब आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अगर आप प्लान कर रहे हो गाइज इन्वेस्टमेंट करने का, देखो हमेशा ये जो क्रिप्टो करेंसी उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन रिस्क के साथ साथ में आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। लेकिन गाइज, अभी आप अगर देखोगे ना, तो डच कॉइन का रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। मतलब 58 से अभी 35-36 रुपये अभी आप स्क्रीन पर देख पाओगे 36 रुपये तक आ चुका है। तो गाइज़, ये अच्छा मौका है, आप अब इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर से ग्राफ आपको ऊपर देखने को मिलता है, या तो और भी कुछ टाइम वेट कर सकते हो, 30 रुपये तक आ जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन गाइज, इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, और आप अगर चाहते हो कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ थोड़ा बहुत अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके लिए ये बेनिफिट देखने को मिलेगा आगे टाइम में। गाइज, बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।